नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर पे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो चलिए आज हम बना रहे हैं, आज हम बनाने वाले हैं मिक्स सब्जी, जिसमें हम डालेंगे अरबी और बैंगन, शिमला मिर्च, भिंडी। अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए पहले हम सरसों के तेल में थोड़ा सा डालेंगे जीरा। जीरा डालने के बाद प्याज, और फिर इसमें डालेंगे मसाले। मसाले डालकर थोड़ा सा इसे हिला देंगे कड़छी से। उसके बाद हम इसमें बारीक काटा हुआ लाल टमाटर डालेंगे। लाल टमाटर पक जाए तो इसमें डालेंगे अरबी। अरबी डालने के बाद इसे थोड़ा सा हिला देंगे। अब हम इसमें जो और भी सब्जियां हैं वो भी डाल देंगे, और इसे धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो बीच बीच इसे हिलाते रहेंगे, जब इसकी खुशबू आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा हमारी सब्जी पक रही है। और अक्सर लोग इसे घर पे नहीं बनाते, ये बड़े बड़े फंक्शनों में ही पाई जाती है। देखिए मैंने सारी सब्जियां डाल दी है, शिमला मिर्च, भिंडी और बैंगन। इसे अब हम सिर्फ ऐसे ही धीमी आंच पर भूनेंगे। पानी का बिल्कुल नहीं लेना, पानी का बिल्कुल सेवन मत कीजिए। इसे हम ऐसे ही तेल में भुनेंगे। इसे आप पूरी के साथ और चावल के साथ या फिर मिस्सी रोटी के साथ आप इसे खा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब जो बड़े फंक्शनों में बनती है, ऐसे ही काली दाल और शाही पनीर और चावल, बहुत कुछ ऐसे ही होता है, आप भी तैयार कर सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं प्लेटिंग तैयार। प्लेटिंग तैयार करने के लिए हमने ली है काली दाल और चावल, साथ में पूरी और जो सब्जी बनाई थी वो रख देंगे। आप पूरी की जगह मिसी रोटी या फिर तंदूरी रोटी भी रख सकते हैं। मेहमान आते हैं तो उन्हें खिलाइए। इसके साथ आप खीर बना सकते हैं। आप इसके साथ खीर या फिर सेवियां भी बना सकते हैं। दाल में मखनी के बगैर तो कुछ बात नहीं बनती, इसलिए दाल मखनी जरूर होने चाहिए। इसके साथ आप सैलेड रख दीजिए, हमने सिर्फ मिर्ची रखी है। मिर्च खाने से आँखों की रोशनी तेज होती है और तंदुरुस्त रहती है। इसको शाही खाना भी कहते हैं। शाही इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने इसमें सारी सब्जियां डाली हैं, और आप इसमें पनीर और मशरूम भी डाल सकते हैं। आप इसे सुबह नाश्ते में भी ले सकते हैं और बच्चों के टिफिन में डाल सकते हैं। आप भी अपने घर पे ऐसे ही ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके परिवार और मेहमानों को बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, मेरे पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपने घर पे इसे एक बार जरूर बना के खाइए। का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।